वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना, तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सरबजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम बहुत ज़रूरी चीज़ सीखेंगे। दरअसल मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि वेब ब्राउजिंग के दौरान हम कौन कौन से कमांड्स को यूज़ करके अपनी वेब ब्राउजिंग को एक सिस्टमेटिक और स्मार्ट बना सकते हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं इसमें बहुत बेसिक भी बात करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बात करूंगा। तो इसमें हम टोटली कमांड्स की बात करेंगे और कैसे हम वेब ब्राउजिंग को अच्छे से कर सकते हैं, सिस्टमेटिक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक वेबसाइट खुली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Title is Reserve Bank of India - Google Chrome. Okay, तो ये Reserve Bank of India की वेबसाइट खुली है मेरे सामने। तो इसमें देखिए, मैं एक एडवाइस करूँगा कि जब शुरुआत में हम ब्राउजिंग करते हैं या कुछ सर्च करते हैं, तो सीखने के पर्पस से हमें पहले एरो कीज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एरो कीज को यूज़ करने से कुछ भी हमसे मिस नहीं होता। हर एक चीज़ को हम रीड कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम समझ सकते हैं। ओके, तो बहुत बेसिक से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एरोज कीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। और बेसिक नहीं, मान लो अगर किसी को ब्राउजिंग आती भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट का फॉर्मेट एक जैसा हो। ओके, या फिर हर वेबसाइट में एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स डाले गए हों, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कभी भी अगर हम न्यू वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर हमें उसको अच्छे से समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरो कीज़ का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हम हर एक चीज़ को रीड कर पाते हैं और हमारा स्क्रीन रीडर हर एक चीज़ को डिटेक्ट कर पाता है एरोज की से। ओके, तो कमांड्स तो हम तब यूज़ करते हैं जब या तो कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि इस वेबसाइट में क्या हो सकता है। ओके, वहाँ पर हम टोटली शॉर्ट कमांड्स का ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा काम है, जो भी हमारा टास्क है, वो बहुत जल्दी से और सिस्टमेटिक वे में होगा। ओके, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें एक्ट करना चाहिए वेब ब्राउजिंग में। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए, मेरे पास कंट्रोल होम करके मैं टॉप पे आऊँगा। ओके, अगर एकदम आपको एंड में जाना, तो कंट्रोल एंड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एंड। यहाँ पे देखिए, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। सेम पेज लिंक स्किप द मेन कंटेंट वर्टिकल पार्ट 8:24:15 PM Wednesday, May 1st, 2024. Link graphic increase font size. Regular font size graphic. Link graphic decrease font size. Link graphic apply dark theme. Apply normal theme graphic. Link graphic print this page. Language. Link. Heading level 1 Link graphic Reserve Bank of India. Heading level 1 Link graphic new website logo. Heading level 1 graphic BBBP logo. Navigation region. Okay, देखिए इतना सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। List of 10 items. Link home. Link about us. ये सब लिंक है। Link notifications. ये सब navigational keys, ये लिंक है जो कि हमें हर वेबसाइट पे मिलती है, और ये बहुत अच्छा एक सिस्टमेटिक वे होता है वेबसाइट क्रिएट करने का। Link press releases. Link speeches and link publication. Link legal free. Link research. Link statistic. Link regular list and navigation region preamble. Left quote and credit domain to Mumbai main region. Heading link policy. Link reserve. Link exchange. Link lending. Link mark. Heading link RBI ready. Link graphics. Reserve. RBI of India logic. Link graphic clinic. ये मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से आप डाउन एरो करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, लिंक भी मिलेंगे और जो लिंक नहीं होंगे वो भी आपको मिलेंगे। यहीं पर अगर
मैं सीधे ई प्रेस कर दूं। सर्च द वेबसाइट एडिट लैंड प्लेसहोल्डर सर्च। देखिए तो सीधे सर्च आ गया, बीच की सारी चीजें हमसे स्किप हो गई है ना। इससे पहले क्या है वो हम स्किप कर देंगे अगर वो जरूरत है तो, हमारे लिए नहीं है जरूरी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए जैसे ये सर्च है, सर्च पे अगर मैं स्पेस मेन रीजन सर्च रीजन सर्च द वेबसाइट एडिट लैंड प्लेसहोल्डर सर्च टाइप एंड टेक्स्ट। अब देखिए यहां पर मैं कुछ करूंगा तो नहीं हो रहा, यहां पर अगर मैं कोई भी की दबाऊंगा तो टाइप होगा A S D F, ये सब यहां पे टाइप। One result is available. Use up and down arrow keys to navigate. ये सब यहां पे टाइप हो रहा है। ओके मिस डी एस ए लैंड। वहीं अगर मैं एस्केप कर दूं एस्केप वर्चुअल पीस, अब मैं यहां पे टाइप करूं देयर आर नो रेडियो बटन्स ऑन दिस पेज रैप इन द टॉप सर्च द वेब सर्च बटन। अब देखिए टाइप नहीं हो रहा यहां पे रैप इन द टॉप सर्च द वेबसाइट एडिट लैंड प्लेसहोल्डर सर्च। मैं ई प्रेस कर रहा हूं टाइप नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि देखिए जब हम वेब ब्राउजिंग करते हैं तो दो तरीके के स्क्रीन शेड ऑन राइट क्लिक द टर्न ऑफ, दो तरीके के कर्सर होते हैं। एक तो जो नॉर्मल कर्सर होता है वो तो होता ही है ओके वो, और एक होता है वर्चुअल कर्सर जो कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है। यानी जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वही वर्चुअल कर्सर बनाते हैं जो कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के लिए ही वो बनाए जाते हैं। अब जो वर्चुअल कर्सर होता है ये इनविजिबल कर्सर होता है, ये दिखाई नहीं देता ओके इसको वर्चुअल कर्सर को देख नहीं सकते, ये बस स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर सके इसके लिए ये इनविजिबल कर्सर यानी कि वर्चुअल कर्सर होता है ओके। तो वेब ब्राउजिंग के दौरान कैरेक्टर बेस्ड जो कमांड्स हम यूज करते हैं, जैसे ई प्रेस करने पे एडिट बॉक्स आता है, ये कैरेक्टर बेस्ड कमांड है। इसी तरीके से और भी हैं, तो कैरेक्टर बेस्ड कमांड्स को यूज करने के लिए हमें जरूरी है कि हम वर्चुअल कर्सर में ही हों ओके। कैरेक्टर बेस्ड कमांड वर्चुअल कर्सर में ही काम करते हैं, पीसी कर्सर में काम नहीं करेंगे, वहां पे टाइप होगा। जैसे रैप इन द टॉप सर्च द वेब स्पेस, देखिए अब यहां पर ई प्रेस करूंगा मैं तो टाइप होगा, ई से एडिट बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है ई यहां पे टाइप हो चुका है ई लैंड ओके, इस तरीके से ई लैंड। अब इसको बोलते हैं पीसी कर्सर, और स्किप करके आएंगे तो एस्केप वर्चुअल पीसी कर्सर। देखिए वर्चुअल पीसी कर्सर ओके, ये इनविजिबल कर्सर होता है क्योंकि देखने वाला तो देख लेगा, कहीं भी कर्सर होगा देख लेगा, लेकिन पीसी कर्सर में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं हर जगह जा सकते, इसलिए ये वर्चुअल कर्सर बनाया गया है। तो अब क्या है कि रैप इन द टॉप सर्च द वेबसाइट एडिट लैंड प्लेसहोल्डर सर्च। अब यहां पर अगर टाइप करना है तो यहां पे हमें स्पेस बार करके फॉर्म्स मोड ऑन करना पड़ेगा, स्पेस बार करेंगे तो फॉर्म्स मोड ऑन हो जाएगा। देखिए स्पेस, ये फॉर्म्स मोड ऑन हो गया यानी पीसी कर्सर में आ चुका है। अब पीसी कर्सर से वर्चुअल कर्सर में जाने के लिए हमें यूज करना होता है जो नम पैड वाला जो नंबर पैड होता है उसमें जो प्लस वाली बटन होती है उसको प्रेस करने से हम वर्चुअल कर्सर में जाते हैं। देखिए मैं प्रेस करूं वर्चुअल पीसी कर्सर प्लस की नम, ध्यान रहे कि नंबर नम नम ली नम की जो होती है वो ऑफ होना चाहिए, नंबर पैड ऑफ होना चाहिए, तब आप प्लस को प्रेस करेंगे तो वर्चुअल कर्सर में आ जाएगा ओके। या तो फिर आप जैसे स्पेस, अभी स्पेस आया ये तो नंबर पैड वाला है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और अपने जो कैप्स लॉक वाली की है उसको आपने इंसर्ट की बना रखा है, जॉज में एक सेटिंग आती है ना कि इसको कैप्स लॉक को यूज करें एज अ मॉडिफायर की, तो अगर आपने वो सेट कर रखा है तो आप कैप्स के साथ सेमी कोलन भी यूज कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल पीसी कर्सर कैप्स लॉक के साथ सेमी कोलन, ये प्रेस किया तब भी वर्चुअल कर्सर में आ जाएगा ओके। स्पेस अगेन फॉर्म्स मोड ऑन, या तो फिर नॉर्मली आप जो हम करते हैं एस्केप 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 वर्चुअल पीसी कर्सर, एस्केप से भी वर्चुअल कर्सर आ गया। तो ये तीन कमांड्स आप याद रखिए वर्चुअल पीसी से
पीसी कर्सर से वर्चुअल कर्सर में जाने के लिए, और पीसी कर्सर में आने के लिए फॉर्म्स मोड को ऑन करना है स्पेस बार से। ये हो गया। अब हमें कमांड्स यहाँ पे देखना है, तो अप एंड डाउन एरो तो आपको यूज करना है। सर्च द वेबसाइट, अप एंड डाउन एरो से एक एक लाइन रीड करता है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। अभी जो मैं कमांड जो मैं बता रहा हूँ ये सब एनवीडीए के साथ भी काम करेंगे। ओके, लिंक ग्राफिक आरपीआई अंडरलाइन 90। अगर राइट लेफ्ट एरो आप प्रेस करते हैं बी आर बी आई राइट प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर, और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो प्रीवियस कैरेक्टर पढ़ेगा, रीड करेगा। ओके, इस तरीके से। अब मान लो मैं ए प्रेस करता हूँ। There are no radio buttons on this page. There are not no radio buttons on this page. यानी यहाँ पे कोई रेडियो बटन यहाँ पे अभी नहीं है। यानी कि ए से क्या होता है, ए से रेडियो बटन आते हैं। अगर मान लो होम, मान लो मेरा कर्सर टॉप ऑफ द स्क्रीन है, अब रेडियो बटन कहीं स्क्रीन के बीच, पेज के बीच में है या फिर एंड में है। अब रेडियो बटन पे मुझे जाना है, अगर मैं डाउन एरो से जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर ए प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली रेडियो बटन में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। जैसे देखिए एक दूसरे वेब पेज में जाता हूं। Human right check boxes and radio. ओके, यहां पर देखिए check box। अब यहां पर टॉप पे मेरा कर्सर है, अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूं। Link web design stuff, link HTML tutorials, link CSS tutorials। अब ये सब आ रहा है। Link web hosting। अब मैं रेडियो बटन में जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा डाउन एरो से। अगर मैं यहीं पर ए प्रेस करता हूं, ए इंटरनेट एक्सप्लोरर रेडियो बटन चेक, देखिए आ गया। Mozilla radio button not checked. Opera radio button not checked. Wrapping the top Internet Explorer radio button checked. यहाँ पर एक ही रेडियो बटन है, ओके? अगर एक से ज्यादा हो तो आप प्रीवियस रेडियो बटन के लिए शिफ्ट ए कर सकते हैं और नेक्स्ट के लिए ओनली ए। तो ये आप ध्यान रखना, जो भी मैं करेक्टर बताऊंगा उसको अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो प्रीवियस एलिमेंट आएगा, और विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। ये आप ध्यान रखना, अगर मैं ना बताऊं तो आप इसको समझ जाना। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल एक ही रेडियो बटन है। अगेन मैं वहीं आरबीआई की वेबसाइट पे आऊंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट गूगल क्रोम मिस्टेक। ओके, अब ए के बाद बी आता है, तो बी प्रेस करते हैं, बी से बटन आता है, सर्च बटन। देखिए सर्च बटन आया एडिट बॉक्स के बाद, आप एरो करूंगा तो देखिए लैंड एडिट सर्च द वेबसाइट एडिट प्लेस होल्डर सर्च एडिट बॉक्स आया है ना, वर्चुअल पीसी कर्सर। और इसके बाद बी प्रेस करेंगे तो सर्च बटन, सर्च बटन, रैपिंग द टॉप सर्च बटन। यहां बटन एक ही है। ओके, अगर और बटन होंगे तो बी प्रेस करते जाइए, बटन आता जाएगा, और प्रीवियस के लिए शिफ्ट के साथ बी, रैपिंग द बॉटम सर्च बटन, रैपिंग द बॉटम सर्च बटन। यहां एक ही बटन है। चेक बॉक्स ह्यूमन राइट्स वर्टिकल बार ऑन ह्यूमन राइट्स वर्टिकल। इस वाले वेब पेज में देखते हैं क्या है। बी प्रेस कर रहा हूं, सबमिट बटन, देखिए रैपिंग द टॉप सबमिट बटन। यहां पर भी एक ही बटन है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ चेक बॉक्सेस एंड चेक, देयर आर नो बटन्स ऑन दिस पेज। यहां तो बटन ही नहीं है। ओके, ह्यूमन राइट्स वर्टिकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप एस्केप वर्चुअल पीसी। तो बी से आप समझ जाइए बटन, यानी ओनली बी प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट बटन, और शिफ्ट के साथ बी प्रेस करेंगे तो प्रीवियस बटन। अब सी से क्या होता है देखिए, There are no selectable ARIA controls, combo boxes, list boxes or tree views on this page. देखिए, सी से बहुत कुछ होता है, combo box, list box, tree view, ये सब चीजें आती हैं। अब यहाँ पर combo box हमारे पास है क्या? Check box, human right, gmail dash google chrome. Okay, gmail की वेबसाइट खुली है। Gmail. देखते हैं यहाँ पर। Forgot email button. देखिए। Next button. यहाँ बहुत सारे बटन हैं देखिए। पहला बटन है इसमें। Forgot email button. Forgot email button. Next button. Next button. अब दोबारा मुझे forget वाले बटन पे जाना है तो shift के साथ B. Forgot email button. देखिए आया। अब combo box. C से combo box होता है, tree view आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। Okay? Combo box एक area कोई element होता है, इस तरह की चीजें आती हैं। Generally वो use नहीं आते। Generally हम button और combo box ही use करते हैं। अब C देखिए, मैं C press करता हूँ। Create account button menu collapsed. एक देखिए इस तरह का भी बटन होता है, जो कि वो बटन का भी काम करता है और कॉम्बो बॉक्स का भी काम करता है। जैसे ये यहाँ पे है। Next button, create account button menu collapsed. ये C से भी आएगा और B से भी आएगा, क्योंकि इस बटन में जैसे कॉम्बो बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती है ना, दो लिस्ट बनना होता है, वैसे लिस्ट वाली बटन है देखिए। Next, create account button menu collapsed.
ये कोलैब से स्पेस करेंगे स्पेस बार तो ये एक्सपैंड हो जाएगा. स्पेस क्रिएट अकाउंट बटन मेन्यू प्रेस स्पेस टू एक्टिवेट द मेन्यू देन नेविगेट विद एरो कीज क्रिएट अकाउंट मेन्यू फॉर माय पर्सनल यूज 1 ऑफ 3 टू मूव थ्रू लाइनअप. अब देखिए तीन चीजें हैं. फॉर माय पर्सनल यूज फॉर माय चाइल्ड 2 ऑफ 3 मैं डाउन एरो कर रहा हूं. फॉर माय चाइल्ड फॉर वर्क और माय बिजनेस 3 ऑफ 3 फॉर वर्क और माय बिजनेस. ये वर्चुअल पीसी कर्सर. अब अगेन वो भी पीसी कर्सर में जाता है. ओके तो अभी हम वर्चुअल पीसी कर्सर में आ गए हैं. अगेन मैं सी प्रेस करता हूं. इंग्लिश लेफ्ट पेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट पेयर एंड कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स्ड. इंग्लिश लेफ्ट पेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट पेयर. अब देखिए यहां पर ये कॉम्बो बॉक्स है. अभी वर्चुअल पीसी कर्सर में है. ओके अगर इसके कॉम्बो बॉक्स के अंदर की चीजें अगर हमें रीड करना है तो हमें पीसी कर्सर में जाना पड़ेगा. फॉर्म्स मोड ऑन करना पड़ेगा और वो होगा स्पेस बार से. Space, leaving menus, content info region, change language list with 83 items. English left parent, United States right parent, 11 of 83. To move to an item, press the arrow keys. अब यहाँ पर language की list है. Up and down arrow से आप language को select करेंगे. जो भी चाहिए आप वहाँ पर enter press कर देंगे. इसी तरीके से जैसे मान लो हम कोई form वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर आता है combo box में select करने के लिए category वगैरह. तो combo box को open करने की command होती है alt plus down arrow. Alt plus down arrow. कॉम्बो बॉक्स पे जाएंगे वहां पर आप ऑल्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कॉम्बो बॉक्स ओपन हो जाएगा. ओके अभी ये पीसी कर्सर में है. पीसी कर्सर में ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चाहिए वहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट भी हो जाएगा और वर्चुअल पीसी कर्सर में भी आ जाएगा. जैसे देखिए Espanol left parent, Espanol right parent, 12 of 83, to move to an item, press the arrow keys. मैंने down arrow press किया है. English left parent, United States right parent, 11 of 83, to move to an item, press the arrow keys. मुझे English चाहिए तो English में enter. Enter, English left parent, United States right parent, combo box, English left parent, United, expanded, change language, Espanol left parent, Espanol, English left parent, United States right parent, 11. English में enter करना है. Enter, English left parent, United States right parent, combo box, English left parent, United States right parent, to change. अब यहाँ पर अभी ये पीसी कर्सर में ही है तो वर्चुअल कर्सर में जाने के लिए आप वही कमांड यूज करिए जो मैंने बताया है. वर्चुअल पीसी कर्सर इंग्लिश लेफ्ट पैर इन यूनाइटेड. ओके इस तरीके से अब डी से इंग्लिश लेफ्ट पैर इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट पैर इन कॉम्बो बॉक्स इंग्लिश लेफ्ट पैर इन यूनाइटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश वर्चुअल पीसी कर्सर. डी से डिफरेंट एलिमेंट आता है इसका इतना यूज नहीं होता. ओके मोर लिंक्स कोलन हेडिंग लेवल 4. ओके तो डी आप ना यूज करें कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. E से तो आपको पता है एडिट बॉक्स. रैप इन द टॉप सर्च द वेबसाइट एडिट ब्लैंक प्लेसहोल्डर सर्च. ओके F से भी ये फॉर्म वगैरह आते हैं. फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी लिंक मॉनेटरी पॉलिसी बैंकर तक. ओके तो F भी इतना यूजफुल नहीं है डी और F. अब G से देखिए G से क्या आता है. इंक्रीज फॉन्ट साइज लिंक ग्राफिक. G से ग्राफिक्स. अगर पेज पर कोई ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं जी प्रेस करके. और ग्राफिक्स पता है जनरली अगर कोई एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स को फॉलो करता है तो जो कैप्चा वगैरह आते हैं वेबसाइट पे वो ग्राफिक्स पे ही देना चाहिए ग्राफिक्स में. जिससे हम जो हमारा जॉज है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वो पढ़ सकता है स्क्रीन कैप्चा को. इस पर मैंने बना रखा है वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे कैसे कैप्चा को रीड करना अगर वो ग्राफिक्स है तो. ओके तो जी से ग्राफिक्स हो गया. अब एच से मैं एच प्रेस करता हूं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडिंग लेवल 1 लिंक ग्राफिक. अगेन न्यू वेबसाइट लोगो हेडिंग लेवल 1 लिंक ग्राफिक बीबीबीपी लोगो हेडिंग लेवल 1 ग्राफिक. यानी एच से क्या हो रहा है हेडिंग टू हेडिंग हम मूव कर सकते हैं. एच प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग और शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो प्रीवियस हेडिंग. New website logo heading level 1 link graphic. Reserve Bank of India heading level 1 link graphic. ये हो रहा ना मैंने shift h प्रेस किया. अब यहाँ पर heading में भी देखिए heading जो भी heading होती हैं एक heading level होता है. जैसे इसका level है 1. New website logo heading level 1 link graphic. BBBP logo heading level 1 graphic. 1. Current rates heading level 2. देखिए अब heading level इसका level क्या है 2. Heading level 2 है. यानी कि जैसे आपको पता है कि वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू आपको पता है. आपको हेडिंग लेवल 1 नहीं देखना. आपको काम है हेडिंग लेवल 2 से. तो आप डायरेक्टली 2 करेंगे तो पहली जो हेडिंग लेवल 2 है वो आ जाएगी. देखिए मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ. डीबीबीपी लोगो हेडिंग लेवल 1 करंट रेट्स हेडिंग लेवल 2. ये देखिए हेडिंग लेवल 2 आ गया. मैंने 2 प्रेस किया है. अगर मैं 3 प्रेस करूंगा 2 RBI regulated entities heading level 2 function wise sites heading level 3. देखिए हेडिंग लेवल 3 आया. अब बीच में
जो भी हेडिंग लेवल्स थी टू उनको स्किप कर दिया, वन को भी स्किप कर दिया। अगर मैं वन प्रेस करूं, no more headings at level one. अब नेक्स्ट नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में हेडिंग लेवल वन नहीं है, तो हेडिंग लेवल वन पीछे है, तो शिफ्ट के साथ वन प्रेस करना है। BBBP logo heading level one graphic. देखिए वन, अब बीच में जितनी भी हेडिंग लेवल टू थी उनको इसने स्किप कर दिया, यानी सीधे हेडिंग लेवल वन पे आ गया। तो आप इस तरीके से भी हेडिंग टू हेडिंग मूव कर सकते हो। ओके, एच प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग, शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो प्रीवियस हेडिंग, या तो आप लेवल के हिसाब से भी मूव कर सकते हो। वन प्रेस करेंगे तो जितनी भी हेडिंग लेवल वन वाली होंगी, जिन हेडिंग्स का लेवल वन होगा वो आएंगी उसमें, उसमें फिर हेडिंग लेवल टू थ्री फोर ये नहीं आएगा, केवल वन आएगा। देखिए no more headings at level one. अब लास्ट में कोई हेडिंग लेवल वन नहीं है, वो नहीं आ रहा है, जबकि हेडिंग लेवल्स वन इसमें दो तीन है। अगर मैं Reserve. अब वन प्रेस करूंगा, टॉप पे आ गया। Reserve Bank of India heading level one link graphic. New website logo heading level one link graphic. देखिए यहाँ पे BBBP logo heading level one graphic. यहाँ पे है दो तीन। No more headings at level one. अब नहीं है, तीन है। यहीं पे अगर मैं फोर प्रेस करता हूँ। Two. RBI regulated entities heading level two. Function Y sites heading level three. More links : heading level four. देखिए heading levels four. Five. No more headings at level five in this section. कोई ऐसी heading नहीं जिसका level five हो। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स की कमांड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, एच हो गया, आई को अभी हम आगे देखेंगे। जे, जे से आप लाइन जंप कर सकते हैं। जैसे जे प्रेस करता हूं मैं, जंप टू लाइन डायलॉग, एंटर लाइन नंबर लेफ्ट पैरेंट 1 टू 156 राइट पैरेंट कोलन, एंटर लाइन नंबर लेफ्ट पैरेंट 1 टू 156। अब यहां पर 1 से लेके आप 156 लाइंस तक आप यहां टाइप कर सकते हैं। यहां पर नंबर टाइप करेंगे और टैब प्रेस करके ओके पे जाएंगे, ओके कर देंगे तो उस लाइन पर कर्सर पहुंच जाएगा। ओके, तो इस तरीके से लाइन का यूज कर सकते हैं। मैं एस्केप करता हूं, एस्केप। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जे के से क्या होता है, के से प्लेस मार्कर आते हैं। देयर आर नो प्लेस मार्कर्स ऑन दिस पेज। जनरली प्लेस मार्कर होता नहीं है। ओके, अगर कहीं होगा तो आप यूज कर सकते हैं। प्लेस मार्कर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्क होता है, जैसे कि हम ई बुक पढ़ते हैं ना, कई बार ई टेक्स्ट वो पढ़ते हैं तो वहां पर हम मार्क वगैरह लगा लेते हैं, बुक मार्क लगाते हैं, तो उसी तरीके का एक मार्क होता है, प्लेस मार्कर। के प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट प्लेस मार्कर और शिफ्ट के प्रीवियस। अब के बाद एल, एल से क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट आप जानते हैं, लिस्ट दो तीन तरह की होती है, मेनली तीन तरह की होती है लिस्ट। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें या तो वन टू थ्री इस तरीके से नंबरिंग देके वहां पर हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं, वन टू थ्री, या फिर ए बी सी डी, ये ऑर्डर लिस्ट है। और कुछ हाइब्रिड लिस्ट होती है जिनमें ए बी सी डी वन टू थ्री, या फिर कुछ होते हैं वो बुलेट्स लगे होते हैं। तो जो ए बी सी डी और वन टू थ्री होता है इनको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और जहां पर बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स लगे होते हैं या हॉलो मार्क या राउंड ऐसा कुछ लगा होता है, उनको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ओके, और जहां पर ये मिक्स हो वहां उनको बोलते हैं हाइब्रिड लिस्ट। ओके, तो लिस्ट इस तरह के होता है लिस्ट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब मान लो टॉप पे मेरा जो कर्सर है वो पेज के टॉप पे है, अब मुझे डायरेक्टली लिस्ट में जाना है तो एल प्रेस करना है। एल, देखिए एल, एक मिनट, कर्सर कहीं और चला गया। टाइटल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया - गूगल जीमेल - गूगल क्रोम द चेक बॉक्सेस एंड रेडियो ह्यूमन राइट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व सेम पेज। अभी टॉप पे कर्सर है, अब मुझे सीधे लिस्ट में जाना है तो मैं एल प्रेस करूंगा। लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स, देखिए लिस्ट आ गई है पहली, जिसमें कि 10 आइटम्स हैं। पहली लिस्ट है जिसमें कि 10 आइटम्स हैं टोटल। अब लिस्ट के आइटम को रीड करने के लिए आप आई प्रेस कर सकते हैं। आई हमने स्किप किया था ना, आई, देखिए लिंक होम, अभी सारे लिंक है इसमें। ओके, लिंक अबाउट अस, लिंक नोटिफिकेशंस, मैं आई प्रेस कर रहा हूं। शिफ्ट आई करेंगे तो देयर आर नो प्लेस मार्कर्स ऑन दिस पेज, सॉरी, लिंक अबाउट अस, लिंक होम, देखिए आया। इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर जो आइटम है उनको रीड करने के लिए आई का यूज कर सकते हैं। अगेन मैं एल प्रेस करूंगा। लिस्ट ऑफ 4 आइटम्स, देखिए अब सेकंड लिस्ट आ गई। लिस्ट ऑफ 23 आइटम्स, थर्ड लिस्ट। लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स, फोर्थ लिस्ट। लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स, फिफ्थ। लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स, सिक्स्थ। लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स,
बहुत सारी लिस्टेंस में लिस्ट ऑफ सिक्स आइटम्स, उनके आइटम्स को रीड करने के लिए आप आई प्रेस कर सकते हैं. रैप इन द टॉप लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स. देखिए आप जब लिस्ट खत्म हो जाएगी तो पहली लिस्ट पे आ गया. ऐसा नहीं कि ये टॉप पे कर्सर गया हो, लिस्ट पे ही कर्सर है, पहली लिस्ट पे है ना. इस तरीके से लिस्ट को लिस्ट टू लिस्ट मूव करने के, नेक्स्ट लिस्ट के लिए एल और प्रीवियस लिस्ट के लिए शिफ्ट एल, और लिस्ट के अंदर जो आइटम है उनको रीड करने के लिए आप आई का यूज कर सकते हैं, या तो फिर डाउन एरो तो है ही है. ओके, इस तरीके से. अब क्या होता है, एल के बाद एम, एम से फ्रेम होता है. फ्रेम कई जगह बना होता है, कुछ वेब पेज में फ्रेम होता है. There are no frames on this page. यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं है. ओके, तो फ्रेम जनरली जल्दी मिलता नहीं है. अब एन से क्या होता है, रिजर्व. एन से होता है नॉन लिंक टेक्स्ट, कोई ऐसा टेक्स्ट जो कि लिंक ना हो. जैसे एन प्रेस करता हूं मैं, 8:47:39 PM Wednesday May 1st 2024. अभी जो टाइम बता रहा है ये लिंक नहीं है, नॉन लिंक टेक्स्ट है. ऐसी और एन प्रेस करता हूं, प्रीएम्बल. ये देखिए प्रीएम्बल, ये भी लिंक नहीं है. लेफ्ट फॉर प्रीएम्बल, अगेन एन. हेडिंग लेवल 22 आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, ये लिंक नहीं है. नॉन लिंक टेक्स्ट जो भी होगा उनको एक्सेस करने के लिए आप एन का यूज कर सकते हैं. ओके, अब एन के बाद ओ, ओ प्रेस करता हूं. देयर आर नो आर्टिकल्स ऑन दिस पेज. ओके, यहां पर ओ से आर्टिकल टू आर्टिकल हम मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है. ओके, तो एक दूसरे वेब पेज में मैं चलता हूँ. Gmail-checkboxes and human rights vertical bar on foundation. ये वेब पेज है. Human. अब देखिए एक चीज और बता दूं, जॉज अगर आपका कंटिन्यू बोल रहा है और आप चाहते हैं कि जॉज चुप हो जाए, म्यूट हो जाए, तो आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं. कंट्रोल प्रेस करेंगे जॉज चुप हो जाएगा. Link wrap, human right. ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया, जॉज चुप हो गया. तो अब इस वेब पेज पे मैं ओ प्रेस करता हूँ. आर्टिकल, देखिए आर्टिकल आ गया, मैंने वो प्रेस किया. अब यहाँ पर आप डाउन एरो से आर्टिकल को पढ़ सकते हैं. लिंक 5-global-land, लिंक log series, लिंक global health, visited link SDG progress, appeared neat and rapid graphic, appears to be :MJ Altman, United, heading level 3, link 5 global issues to watch in 2024. Bye. Link neat and rapid. ये कोई author है, इन्होंने लिखा आर्टिकल को. And, link MJ Altman. और P से क्या होगा? P. O के बाद P. Link read more. ये देखिए. P से पैराग्राफ होता है, आर्टिकल के पैराग्राफ में आ गया. On December 15th, 2023, link MJ Altman. On this link reads article end. Article. Link year -review-the-events-that-shape-r-world-2023. Length. Link log series. Okay. तो P से पैराग्राफ, shift V से previous paragraph. O से article. Article. और shift O से. Link seeking-safety-dash. Shift O से previous article. Length. Visited link. Okay. और P से पैराग्राफ हो गया. Q से क्या होता है, हमारे वेब पेज में रीजन बने होते हैं. Q से मेन रीजन और R से सब रीजन, रीजन के विद इन द रीजन जो रीजन बने होते हैं. There is no main region on this page. देखिए यहाँ पर कोई मेन रीजन नहीं है. RBI की वेबसाइट पे चलते हैं. Reserve Bank of India Reserve Bank of India. यहाँ पर देखते हैं क्या. मैं Q प्रेस करता हूँ. मेन रीजन, देखिए मेन रीजन आ गया. Delhi reach main region. Heading level 21. Curve main reach Mumbai region. Delhi regional office building graphic. Mumbai regional office also maintain price stability. यहाँ पे मेन रीजन है Q. अब R प्रेस करता हूँ. मेन रीजन. लिंक ग्राफिक RPI underline 90 underline years underline logo सर्च रीजन. ये देखिए सर्च रीजन आ गया है. R प्रेस कर रहा हूँ. मेन रीजन के अंदर जो रीजन बने वो R से सब रीजन. रैपिंग द टॉप हेडिंग लेवल 1 लिंक ग्राफिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैनर. ओके, इस तरीके से. नेविगेशन रीजन. नेविगेशन रीजन. मेन रीजन. ओके, लिंक ग्राफिक RPI underline 90 underline. इस तरीके से. तो यहाँ मेन रीजन एक है और उस रीजन के, मेन रीजन के अंदर जो सब रीजन है उनको एक्सेस करने के लिए आप आर प्रेस कर सकते हैं. ओके, अब एस. बैंक हॉलीडेज लिंक, सिटीजन चार्टर लिंक, कंप्लेंट्स लिंक. अब जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एस से एक्सेस करते हैं, एस प्रेस करते हैं. टी से क्या होता है, टी से टेबल को हम एक्सेस करते हैं. ओके, तो मेरे पास टेबल तो यहाँ पे नहीं है. Human rights for Gmail-Google checkboxes and radio button. Table with three columns and one row. Navigate. Yes, मिल गया टेबल. ओके, ये टेबल है. अब देखिए. Checkbox. अभी link. यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो वेब पेज के टॉप पर है. Web design stuff. अब डाउन एरो से अगर मैं टेबल पे जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा.
सीधे मैं T प्रेस कर दूंगा. Table with three columns and one row. Navigational link slash back. Top next column one, row one. Link list fill the back. अब जब कभी भी टेबल T प्रेस करते हैं, टेबल पे हमारा कर्सर पहुंच जाता है टेबल के फर्स्ट रो और कॉलम के, जो फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट सेल होता है वहां पर कर्सर पहुंच जाता है टी प्रेस करने से. अब उसके बाद आप टेबल में रीड कर सकते हैं. यहां पर अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इधर राइट साइड को जाएगा. देखिए सेम पेज लिंक टॉप लिंक नेक्स्ट टिल द ग्रेटर, यानी जब टी प्रेस किया तो पहले सेल में आया कर्सर. फिर डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं तो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड. जैसे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक्सेल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर एक्सेल आपने थोड़ा बहुत सीखा है तो उसका एग्जांपल मैं दूं. जैसे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो मान लो कर्सर A1 में है, तो डाउन एरो प्रेस किया तो B1 फिर C1 फिर D1, मान लो इतने ही कॉलम है. अब उसके बाद नेक्स्ट रो है तो भाई अगेन आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इधर A2 में आ जाएगा कर्सर. फिर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो B2 B3, ओके सॉरी B2 फिर C2, हाँ फिर D2. इस तरीके से यहाँ पे वेब पेज पे कर्सर टेबल में इस तरीके से मूव करते हैं वेब पेज में. ओके तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा टेबल का. बाकी आप देखना आपको समझ में आ जाएगा. अब T के बाद आता है U. यू से क्या होता है, देखिए हमारे वेब पेज में कई सारे लिंक होते हैं. अब जिस लिंक को हम एक्सेस कर लेते हैं वो अगर दोबारा हम खोलेंगे तो वो हमारे लिए वो विजिटेड लिंक दिखाता है, जिसको नहीं एक्सेस करते वो अनविजिटेड लिंक होता है. तो जो अनविजिटेड लिंक है उनको एक्सेस करने के लिए आप यू का यूज करेंगे. नेक्स्ट अनविजिटेड लिंक के लिए यू, प्रीवियस अनविजिटेड लिंक के लिए शिफ्ट यू, और विजिटेड लिंक के लिए जिनको आप एक्सेस कर चुके हैं, जिन पर आपने एंटर प्रेस किया है, जिनको आपने यूज किया है, वो विजिटेड लिंक हो जाएगा. और विजिटेड लिंक को एक्सेस करने के लिए आप वी प्रेस करेंगे. वी प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट विजिटेड लिंक, और शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो प्रीवियस विजिटेड लिंक आएगा. ओके इस तरीके से. अब इसके बाद आता है डब्लू. डब्लू से No word list has been created. To create the word list, press Control plus Insert plus W. Okay. यहाँ पे word list हम create कर सकते हैं Insert Control W से. Okay. तो ये आप करके देखना. अब इसके बाद आता है X. X से क्या होता है, हम check boxes को access करते हैं. Okay. Check box. मान लो आपको check box में directly जाना है. या तो मान लो बहुत सारे चेकबॉक्स, आपको चेकबॉक्स टू चेकबॉक्स मूव करना है तो आप एक्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट चेक के लिए एक्स और प्रीवियस के लिए शिफ्ट एक्स. अब एक्स क्या होता है जैसे देखते हैं हमारे पास टाइटल इज चेक बॉक्स. मैं एक्स प्रेस करता हूं, एक्स रेड चेकबॉक्स नॉट चेक. देखिए रेड चेकबॉक्स नॉट चेक, ये पहला. अगेन एक्स येलो चेकबॉक्स नॉट चेक, येलो चेकबॉक्स नॉट चेक. अब चेक मतलब ये चेक हम कैसे करते हैं, अगर इसको स्पेस बार कर दूंगा तो चेक हो जाएगा, फिर स्पेस करूंगा तो नॉट चेक हो जाएगा. यानी ये यस या नो, इसका मतलब चेक कर दिया तो यस, आर यू अगर हम या कहीं पे होता है कोई फॉर्म है वहां पर आप पूछता है कि आर यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज कम्युनिटी, आगे यस चेक बॉक्स नॉट चेक, नो चेक बॉक्स नॉट चेक. अब अगर आप यस कर देंगे तो यानी कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर नो पे आप स्पेस करेंगे तो यानी आप बिलोंग नहीं करते. यानी ये नॉट चेक नेगेटिव रिमार्क्स दिखाता है और चेक पॉजिटिव रिमार्क्स. ओके इस तरीके से. अब देखिए जैसे शिफ्ट एक्स रेड चेक बॉक्स नॉट चेक, शिफ्ट के साथ एक्स प्रेस किया तो रेड आया. अगेन एक्स प्रेस करूंगा येलो चेक बॉक्स नॉट चेक, येलो. यानी नेक्स्ट आया ब्लू चेक बॉक्स नॉट चेक, ब्लू. ऑरेंज चेक बॉक्स नॉट चेक, ऑरेंज. ग्रीन चेक बॉक्स नॉट चेक, ग्रीन. Purple checkbox not checked. Purple. Wrapping the top. Red checkbox not checked. अब जब चेक बॉक्सेस खत्म हो गए तो वो पहले वाले चेक बॉक्स पर कर्सर आ गया है. ओके इस तरीके से. अब जो Z होता है, Z से मान लो वेब पेज में अगर डिवीजन बने हैं
तो जेड से हम डिविजन टू डिविजन मूव कर सकते हैं। यहाँ पर है क्या सोर्स कोड, ये देखिए पर्पल चेक बॉक्स नॉट चेक सोर्स कोड, यहाँ पर लिंक वेब डिजाइन स्टफ, लिंक वेब डिजाइन स्टफ, लिंक एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स, मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ क्रिएट वेब पेज 101, यहाँ पर डिविजन लिंक रिसोर्सेज क्रिएट वेब पेज है, डिविजन इतना जनरली हम यूज में आता नहीं है ओके, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जेड से डिविजन आता है ओके। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ और कमांड देखेंगे, जैसे अभी हमने लिंक की बात नहीं की, चेक बॉक्स लिंक टू लिंक मूव करने के लिए क्या होता है टैब की का यूज करते हैं ओके, नेक्स्ट लिंक के लिए टैब और प्रीवियस लिंक के लिए शिफ्ट टैब, जैसे मैं टैब प्रेस करता हूं लिंक गो टू द आयरन स्पाइडर होम पेज, अब यहां बीच में नॉन लिंकिंग टेक्स्ट नहीं आएंगे, जो लिंक होगा वही होगा, नॉन लिंक टेक्स्ट नहीं आएगा। HTML tutorials link click here to go to the Iron Spider homepage. CSS tutorials link click here to मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Web hosting link click here to learn all about web hosting dot dot dot. अब shift टैब प्रेस करूँगा। CSS tutorials link click here HTML tutorials link click link go to the Iron Spider homepage. Okay, तो link इस तरीके से। Web design resource. देखिए मैं shift टैब प्रेस कर रहा हूँ। Domain names link click here to learn all about registering the domain name dot dot dot. अब लोग क्या करते हैं? देखिए टैब का बहुत तो हमें केयरफुली यूज करना होता है, लोग क्या करते हैं वेब पेज ओपन होते ही टैब टैब यूज करने लगते हैं, तो जहां तक लिंक है वहां तक जाता है। अब इससे क्या हुआ, बीच में जो चीजें थी वो आपसे स्किप हो गई, जो कि आपके काम की भी थी, लेकिन फिर भी स्किप हो गई क्योंकि आपने टैब टैब यूज किया, आपने कुछ और नहीं यूज किया, एरो कीज का बिल्कुल यूज नहीं किया। अब जैसे मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, वेब डिजाइन रिसोर्सेज लिंक क्लिक हियर टू ब्राउज़ द टूलबार व्यू साइट इनफॉरमेशन, लिंक वही खत्म हो गया, फिर भी मैंने टैब की प्रेस किया तो ये सब आने लगा, एड्रेस एंड सर्च बार एडिट ironspider.com/forms/, ये एड्रेस बार आ गया, जबकि ये बेवजह आया। एड्रेस बार में आने के लिए ऑल्ट डी कमांड होती है एड्रेस बार में, अगर हमें इंटेंशनली एड्रेस बार में आना है तो ऑल्ट डी, लेकिन अब टैब टैब की प्रेस करता गया मैं तो ये आ गया, जबकि इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अब मैं शिफ्ट टैब से फिर अंदर जाऊंगा, वेब डिजाइन रिसोर्सेज लिंक क्लिक हियर टू ब्राउज़, तो टैब का हमें केयरफुली यूज करना है। ऐसे टॉप पर अगर टॉप पर कर्सर है, अब यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट टैप करूंगा toolbar, bookmark this tab button to activate, press space bar. ये देखिए ये मार्क के लिए आ गया ओके, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। Link, go to the iron spider. तो टैब का केयरफुली यूज करना है ओके। HTML tutorial. अब एरो कीज में भी Link, CSS to... अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड बढ़ेगा। Tutorials. देखिए web. और ऐसे ही अगर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो ट्यूटोरियल्स प्रीवियस वर्ड CSS ट्यूटोरियल्स HTML, इस तरीके से। तो टैब का केयरफुली आपको यूज करना है। तो ये तो हो गए मान लो कैरेक्टर बेस्ड कमांड। अब कुछ कमांड्स मान लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश लिंक सिटीजन शॉट, अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि केवल लिंक लिंक की लिस्ट बन जाए और कुछ ना आए, वो एक लिस्ट क्रिएट हो जाए जिसमें केवल लिंक ही हो, लिंक के अलावा और कुछ ना हो, तो कैसे होगा? लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट के साथ F7 प्रेस करना होता है, F7 ओके। इंसर्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो देखिए मैं प्रेस करता हूं लिंक्स लिस्ट डायलॉग लिंक्स लिस्ट व्यू सिटीजन चार्टर 77-103 टू मूव द आइटम्स यूज द एरो कीज, अब लिंक का एक लिस्ट क्रिएट हो गया, हम सारे लिंक्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर अप एंड डाउन एरो से आप जाएंगे Complaints, 78-103. अब यहाँ ध्यान रहे कि लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया तो यहाँ पर अब लिंक नहीं बोलेगा जॉस, जैसे वहाँ वेब पेज पे बोलता है लिंक। अब मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ Contact us, 79-103. डाउन एरो से नेक्स्ट लिंक आ रहा है और अप एरो से Contact us, 79-103. अब जो वहां पर भी आप एंटर कर देंगे वो लिंक ओपन हो जाएगा Reserve Bank same page, link skip the main content.
Reserve Bank of India dash frequently asked questions. Reserve Bank same page link skip the main content. Reserve Bank of India dash frequently asked questions. Reserve Bank of India dash frequently asked questions. अब यहाँ पे down arrow से जाता हूँ. Same page link skip the main content. Link graphic increase font size. अब वो कहाँ है? Regular font. अब यहाँ कैसे वहाँ तक जाएंगे? अब down arrow से जाएंगे तो बहुत time लगेगा. तो देखते हैं heading edge press करके. Reserve Bank of India heading level 1 link graphic. नहीं आ रहा है. Heading level 1 आ रहा है. BBBP logo heading level 1 graphic. अब heading wise जा रहे तब भी टाइम लग रहा है तो N प्रेस करके देखते हैं. Heading level 2 frequently asked questions. देख एक बार में आ गया क्योंकि ये non link text बन गया है जो ओपन होके non link text है. ये बहुत accessible वेबसाइट है RBI की. ओके तो जैसे टॉप पर भी अगर कर्सर होगा देखिए reserve. अब यहाँ पे मैं N प्रेस करता हूँ. Search the website. Heading level 2 frequently asked questions. हम आ गए यहाँ पे frequently asked question. Table with 2 columns and 111 rows. अब यहाँ पे देखिए टेबल है यहाँ पे. Table with 2 columns and 100. अब यहाँ देखो देखिए बहुत सारी टेबल है यहाँ पर. अगर टी प्रेस करके आप टेबल टू टेबल मूव कर सकते हैं. Wrapping the top table with 2. ये पहली टेबल अगेन टेबल अगेन टी प्रेस करो. Wrapping the top table with 2 columns and wrapping the top. ओके यहाँ पर एक ही टेबल है सॉरी. तो इस तरीके से आप लिंक ओपन हो जाएगा. अब मान लो कि लिंक लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया. चलिए मैं फिर से एक बार करता हूँ. एक चीज और बताता हूँ. लिंक लिस्ट डायलॉग. लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है. अब मान लो डाउन एरो प्रेस करता हूँ मैं. इंक्रीज फॉन्ट साइज टू डिक्रीज फॉन्ट साइज अप्लाई डार्क थीम फॉर प्रिंट दिस पेज 5/6/1 डन. क्लिक हियर टू विजिट द आरबीआई न्यू प्रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होम 9 ऑफ अबाउट अस 10 ऑफ नोटिफिकेशंस 11/167 प्रेस रिलीजेस 12/1 नोटिफिकेशन. अब मान लो ये जो नोटिफिकेशन वाला लिंक है मैं वहां पर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये लिंक ओपन हो. अब एंटर प्रेस करूंगा तो ऑब्वियसली लिंक ये ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन का. लेकिन मैं नहीं चाहता ओपन हो तो कैसे? नोटिफिकेशन पे जाना है. आप कोई भी लिंक जहां पे आपको जाना है वहां पर कर्सर रखना है और टैब की प्रेस करना है. टैब की प्रेस करता हूँ. मूव टू लिंक बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार अल्ट प्लस एम. मूव टू लिंक बटन आया. यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो वहां पर कर्सर पहुंच जाएगा. अगेन टैब प्रेस करता हूँ. एक्टिवेट लिंक बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार अल्ट प्लस ए. एक्टिवेट लिंक यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा. यानी एंटर ना करके आप वहां कर्सर रखिए. जिस लिंक को भी आप ओपन करना चाहते हैं वहां पर कर्सर रखा और फिर टैब की प्रेस करेंगे तो मूव टू लिंक बटन आएगा और अगेन प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट लिंक बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार अल्ट प्लस ए. एक्टिवेट लिंक आएगा. अगर आपको ओपन करना है तो एक्टिवेट पे, अदरवाइज मूव टू लिंक बटन टू एक्टिवेट. मुझे उस लिंक पे जाना है, ओपन नहीं करना तो मैं मूव टू लिंक पे एंटर करता हूँ. ये टैब से हो रहा है, टैब से और शिफ्ट टैब से. एंटर प्रेस करता हूँ मूव टू लिंक पे. एंटर लिंक नोटिफिकेशंस. देखिए आया लिंक नोटिफिकेशन. लिंक अबाउट लिंक नोटिफिकेशंस. कर्सर मेरा कहीं भी था लेकिन मूव टू लिंक पे मैंने एंटर प्रेस किया तो कर्सर वहां पे आ गया नोटिफिकेशन पे, लेकिन नोटिफिकेशन लिंक ओपन नहीं हुआ. ओके तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं. अब हेडिंग की लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए आपको प्रेस करना है इंसर्ट के साथ F6. देखिए हेडिंग लिस्ट डायलॉग. हेडिंग लिस्ट व्यू BBBP लोगो कोलन. अब यहाँ पे हेडिंग की लिस्ट क्रिएट हो गई. यहाँ पे डाउन एरो करेंगे तो सारी अब हेडिंग आती जाएंगी. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कोलन 2 3 ऑफ 5 मोर लिंक्स कोलन 4 ऑफ 5 फॉलो RBI कोलन 4 5 ऑफ 5. ओके मोर लिंक्स फ्रीक्वेंटली BBBP रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलन. कितने हेडिंग्स हैं यहाँ पे? BBBP लोगो कोलन 1 frequently asked question more links colon 4 or 5. अभी more links. Move the heading button to activate press space bar alt plus m. यहाँ पर भी आप tab की press करेंगे तो move to heading. अब directly उस heading पे जा सकते हैं. मैंने tab की press किया. Cancel button to activate press space bar alt plus c. या तो again tab किया तो मैंने cancel हो गया. Shift tab press करूंगा तो move the heading button to activate press space bar alt plus move m. Move to heading. यहाँ पे enter press करेंगे तो उसी heading पे पहुँच जाएंगे. Enter link notifications. Link press release, link notification, link press releases, link speeches and link press releases. ये देखिए press releases पे. Link speeches and link press releases. हम आ चुके हैं यहाँ पर. ये सही से काम नहीं किया. यहाँ कोई कुछ होगा इशू. कोई नहीं, लिंक में तो काम कर रहा है ना. मूव टू लिंक और एक्टिवेट लिंक. ओके तो इस तरीके से आप हेडिंग की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म्स की भी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं. वो होता है इंसर्ट के साथ F5. देखिए select the form field dialog list one. फॉर्म फील्ड की लिस्ट क्रिएट हो गई है इंसर्ट के साथ F5.
फॉर्म फील्ड में सब आते हैं, बट सर्च बटन टू ऑफ टू बटन एडिट बॉक्स सर्च एडिट वन ऑफ टू सर्च बटन टू ऑफ टू बटन एडिट बॉक्स जितने भी बटन होंगे बटन आएंगे, कॉम्बो बॉक्स ये सब फॉर्म फील्ड में आते हैं, चेक बॉक्सेस ये सब फॉर्म फील्ड में आते हैं। ओके यहाँ पर दो ही है, सर्च एडिट बॉक्स है और बटन है। ओके देखिए यहाँ पर कोई लिंक वगैरह नहीं आया, यहाँ पे बस बटन सर्च बॉक्स से, अगर कॉम्बो बॉक्स वगैरह होंगे तो भी आ जाएंगे, चेक बॉक्सेस होंगे तो भी आ जाएंगे, ये सब आते हैं फॉर्म फील्ड में। तो इसका लिस्ट क्रिएट करने का शॉर्ट कमांड है इंसर्ट के साथ F5। ओके तो मैंने एस्केप करके मैं बाहर आ गया। अब अगर आप फ्रेम था ना, M से फ्रेम आता है, फ्रेम की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इंसर्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे। ओके फिलहाल यहाँ पे फ्रेम शायद है नहीं, There are no frames on this page. ओके फ्रेम नहीं है, इंसर्ट के साथ F9। चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स डैश डूडल क्रो Reserve that human rights for Gmail dash Doodle. Human rights link. Visited link. Submit button. Wrapping the top. Submit button. Checkbox. Reserve bank of it. Gmail dash Doodle. Gmail वाले में आ गया मैं. Escape. Gmail. अब मान लो कि आप केवल बटन की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं. Only button. बटन किससे आता है? B से आता है ना? तो केवल बटन की लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप Insert Control B प्रेस करेंगे. ठीक है? Select a button dialog. List 1 list view. Forgot email button. 1 of 3. To move the items use the arrow keys. Insert control B press किया तो button यहाँ पे केवल button आया और कुछ नहीं आया। अब एंड डाउन से देखते हैं। Next button 2 of forgot email button. Next button create account button 3 of. बस तीन button है यहाँ पे। तीन button यहाँ पे आ चुके हैं। अब एंड डाउन से। Next button 2 of 3. Forgot email button 1 of 3. इस तरीके से आप button की list create कर सकते हैं। Escape. The change. Escape. Virtual. Okay. अगर कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट क्रिएट करनी है तो इंसर्ट कंट्रोल सी। देखिए सिलेक्टेबल एरिया कंट्रोल्स कॉम्बो बॉक्सेस लिस्ट बॉक्सेस और थ्री व्यूज डायलॉग लिस्ट 1 लिस्ट व्यू क्रिएट अकाउंट 1 ऑफ 2 टू मूव द आइटम्स यूज द एरो इंग्लिश लेफ्ट पेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट पेयर इन 2 ऑफ 2 ओके क्रिएट अकाउंट 1 ऑफ 2 इंग्लिश लेफ्ट पेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट पेयर इन 2 ऑफ 2 ये इस तरीके से आप कॉम्बो बॉक्स या ट्री व्यू या एक एरिया होता है एलिमेंट ये इन एलिमेंट्स की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट कंट्रोल सी से। Escape, the change, escape, virtual. इसी तरीके से अगर ई एडिट बॉक्स की लिस्ट क्रिएट करना है तो आप इंसर्ट कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, यानी कि जो भी मान लो बटन है एडिट बॉक्स है अगर चेक बॉक्स है तो आप उसके साथ कंट्रोल और इंसर्ट के साथ प्रेस करेंगे उस कैरेक्टर को तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे चेक बॉक्स की लिस्ट क्रिएट करना है तो आप इंसर्ट कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो जितने भी चेक बॉक्सेस होंगे वो आ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक बॉक्सेस का। Human rights check boxes and radio button. यहाँ पर insert control X. Check boxes and radio buttons dash Google Chrome. Select the checkbox dialog. List 1 list view. Checkbox not checked. 1 of 6. To move the items using. यहाँ पर आ गया है। Checkbox not checked. Checkbox not checked. 3 of 6. ये सारे चेक बॉक्स आ गए हैं। Escape. Okay, मैं escape कर दिया। Escape. Web design stuff. इसी तरीके से रेडियो बटन तो आप insert control A प्रेस करेंगे तो रेडियो बटन की लिस्ट आ जाएगी। ओके इस तरीके से आप इन कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ओके तो आप इसको यूज करिए। मेरा पर्पस है कि हम एक्सेसिबल तरीके से बहुत स्मार्टली वेब ब्राउजिंग करें। ओके तो आप इसको यूज करिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाकी आपको कोई और रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट करिए, हम और वीडियोस लाएंगे वेब ब्राउजिंग पे। ओके और कमांड्स पे कीबोर्ड कमांड्स पे। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।